Good morning, students. Welcome to my class. Today we are going to chapter 1, part 7, term 2. Exercise 7 में students हमने क्या करना है? हमें कुछ fractions दिए गए हैं. हमने उसमें से bigger fractions को क्या करना है? Encircle करना है. अब देखिए हमारे पास क्या-क्या fractions है? 4 upon 5 and 3 upon 5. अब देखिए स्टूडेंट्स 4 upon 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास 5 बॉक्स है इसमें से हम क्या करेंगे 4 बॉक्स को फिल कर देंगे स्टूडेंट्स कितने बॉक्स हमने फिल कर दिए 4 बॉक्स और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4 upon 5 क्लियर नेक्स्ट वाले में है 3 upon 5 इसमें हमने 3 बॉक्सेस को फिल कर दिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3 upon 5 it means bigger fraction students कौन सा हो जाएगा ये वाला clear so हम first वाले को क्या कर देंगे encircle कर देंगे clear next चलिए question number 2 select the smaller fraction among the pairs and cross it इसमें student just opposite करना है उसमें हमने bigger fractions को encircle किया इसमें हमने किसको क्रॉस इट करना है स्मॉलर फ्रैक्शंस को अब देखिए हमारे पास है 3 upon 4 एंड 1 upon 4 इसमें हम क्या करेंगे 3 upon 4 4 में से 3 4 में से हमने 3 बॉक्सेस को क्या कर दिया है फिल कर दिया है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स 3 upon 4 और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 upon 4 इसमें से स्मॉलर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स ये वाला 1 upon 4 इज अ स्मॉलर फ्रैक्शंस क्लियर हमने स्टूडेंट्स क्या करना है हमें जो फ्रैक्शन दिए गए हो उसके जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसको देखकर हमने क्या करना है बॉक्सेस बना लेने हैं और जो न्यूमरेटर है उससे ही बॉक्स हमने क्या करनी है फिल कर देनी है क्लियर उससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा बड़ा है दोनों को आप साथ में बनाकर देख लेंगे कि किस में ज्यादा बॉक्स फिल किए गए हैं जिसमें ज्यादा बॉक्स फिल किए गए हैं वो क्या होगा बिगर फ्रैक्शन और जिसमें कम बॉक्स फिल हुए हैं वो क्या होगा स्मॉलर फ्रैक्शन क्लियर नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन पर 2 upon 5 and 3 upon 5 इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे आप 2 बॉक्स को फिल कर लेंगे because denominator is 5 तो 5 बॉक्स बना लिए और ऊपर क्या है नोमिनेटर क्या है हमारा न्यूमरेटर 2 है तो हमने 2 बॉक्सेस को फिल कर दिया है क्लियर तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 upon 5 को और नीचे वाले जो बॉक्स हैं उसमें देखिए 5 बॉक्सेस हैं because denominator is 5 and numerator is 3 so हमने 3 बॉक्स को क्या कर दिया है फिल कर दिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 upon 5 अब देखिए कम बॉक्सेस किस में फिल है ऊपर वाले में इसलिए so 2 upon 5 is a smaller fraction clear Smaller fraction is 2 upon 5. ऐसे आप बाकी के सम भी करेंगे. Okay, students. Thank you and have a nice day.